एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में चार चांद ना लगा दो उस मधु के। जय महादेव। मेरी महाकाल की वाईटी फैमिली, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस उपाय को दिवाली पर किया है तब भी आप इस उपाय को देव दिवाली पर भी कर सकते हैं, और जिन्होंने दिवाली पर इस उपाय को नहीं किया है वह देव दिवाली पर इस उपाय को जरूर करें। सिर्फ पान के पत्ते पर एक बूंद शहद रख करके माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है और शिवालय जाकर के, शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर एक फूल पर या किसी भी पत्ते पर शहद की एक बूंद रख करके शिवलिंग पर अर्पण करना है। तो बस ये बहुत ही छोटा सा उपाय है कार्तिक पूर्णिमा का, देव दिवाली का, और दिवाली का जरूर करें जिससे कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम।